अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद आयरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बहुत ही मज़े की डिश बन रही है। आज बन रही है पकौड़ा कढ़ी। जी, कढ़ी आपको पता है सबको बहुत पसंद होती है और बहुत ही मज़े से खाई जाती है। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए बनाते हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान के बाउल में डाल लिया है। 750 ग्राम दही इस्तेमाल किया है। ये दही दो दिन पुराना है क्योंकि दही बहुत मीठा था, लेकिन कढ़ी के लिए जो सबसे ज़्यादा दही होता है वो खट्टा, लेकिन ये ज़्यादा खट्टा नहीं है। फिर भी कढ़ी इससे ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून नमक जाएगा इसमें, एक टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा और एक टीस्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी। साबुत मसालों में एक टीस्पून ज़ीरा जाएगा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून ही मस्टर्ड सीड यानी राई इसमें जाएगी। इससे कढ़ी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा दो दरमियाने साइज़ के प्याज देकर स्लाइस में काट लिए हैं। यहाँ से 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें भी काट लिया है। बाउल यहाँ पे हमने ले लिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें थोड़ा सा हम दही डालेंगे, सारा दही नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे और बाद में बाकी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर बेसन जो हमने छान के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। इस तरह अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो इसके लम्स नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे से ये दही के अंदर मिक्स हो जाएगा, वरना अगर हम पानी में बनाते हैं तो उसके लम्स बन जाते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल से वो सही होते हैं। तो इस तरह करना ज़्यादा आसान है। अब हम इसके अंदर बाकी का बेसन भी डाल देते हैं। ये देखिए, बेसन की क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो फिर बेसन बेसन का टेस्ट आता है और कम करेंगे तो बहुत ही देर लगती है इसको पकने में, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस स्टेज पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए, बाकी दही भी शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ ही इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, साथ ही सुरख मिर्च डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अभी पानी शामिल नहीं किया तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। फिर भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि दही का कोई दाना, कोई लम्स ना रह जाए इसका और ये इक्वली स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। कढ़ी जो है वो बेसिकली बहुत शौक़ से खाया जाने वाला एक फूड है। बड़े शौक से खाया जाता है चावल के साथ, रोटी के साथ। ज़्यादातर लोग चावल के साथ पसंद करते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 6 ग्लास पानी डालना है इसके अंदर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 ग्लास इसमें डाल दिया है पानी और अभी इसमें 2 ग्लास पानी बाद में डाला है इसमें। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दिया है ऊपर। अब इसके अंदर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप ऑयल डालेंगे इसके अंदर और फिर जो साबुत मसाला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डाल देंगे और इसको तकरीबन उस वक्त तक भूनेंगे कि इसके अंदर से कड़कड़ाने की आवाज़ आ जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, ये अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर इस स्टेज पर हम डाल देंगे प्याज और सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए कि हमारा साबुत मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा पिंक हो जाए, हमें इसे डार्क पिंक नहीं करना, बस लाइट सा पिंक करना है। खुशबू इसकी भी आने लग जाए और हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी हुई है, फुल हाई नहीं की हुई, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो गया है। ये देखिए, लाइट लाइट सा पिंक हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए,
माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बेसन का अमेज़ा बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं और इस बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें इसके अंदर चली जाएं। ये देखें, अब इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू हाई करेंगे अभी शुरू में ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो जैसे ही बॉयल आएगा तो इसका फ्लेम लो कर देंगे और फिर इसको तकरीबन एक घंटे तक पकने देंगे। ये जितने ज़्यादा फ्लेम लो फ्लेम पे पकेगी ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये देखें नीचे चली गई है, यानी पक पक के ये कम हो गई है, लेकिन अभी बहुत पतली है तो अभी कढ़ी हमारी, तो इसको अभी और पकाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, और अब देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से कढ़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और इस स्टेज पे हम डालेंगे नमक, क्योंकि पहले नमक नहीं डाला। अच्छा, नमक पहले क्यों नहीं डाला? नमक पहले इसलिए नहीं डाला कि अगर पहले नमक डाल देते तो कढ़ी जो है वो बॉयल होकर बाहर गिरना शुरू हो जाती, और अगर नमक हम एंड में डालेंगे और बग़ैर नमक इसको पकाएंगे तो कढ़ी कभी भी बाहर नहीं गिरेगी। तो देखिए माशाल्लाह से कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं पकाना, चूल्हे को बंद करेंगे और पकौड़ों का अमेज़ा बनाएंगे और जल्दी से पकौड़े फ्राई करते हैं और कढ़ी के अंदर डाल देते हैं। तो कढ़ी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर प्याज डाल देंगे, साथ ही हम आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए वो डाल देंगे, साथ ही इसके ये धनिया हमें थोड़ा मिला था इसलिए थोड़ा धनिया यूज़ किया है इसमें, आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसके साथ ही, और धनिया एक टीस्पून लेके उसको हाथों पे अच्छे से मसल के डालेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें ये भी डाल दिया इसके अंदर। अब एक टीस्पून नमक डालेंगे इसमें, एक टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और दो टेबलस्पून डालेंगे इसमें दही। दही जो है ये पकौड़ों को बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी और मज़े का बनाता है। अब डालेंगे इसके अंदर बेसन, एक पाव बेसन लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें और फिर जितना हमें रिक्वायर्ड होगा वो डाल लेंगे, और अगर सारा डल गया तो ठीक है, वरना थोड़ा बच गया तो कोई बात नहीं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दही और जो मॉइस्चर आलूओं के अंदर है उसे जितना बेसन में पानी हमें बाद में चाहिए होगा फिर उसमें ये साथ में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसका अमेज़ा रेडी कर लेंगे। अगर पहले ही पानी डाल देंगे तो आलू और दही के अंदर भी मॉइस्चर होता है तो वो फिर बहुत पतला हो जाता है और पकौड़े सही नहीं बनते, तो इसलिए पहले वो मिक्स कर लेते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर थोड़ा सा बेसन अब और इसमें शामिल कर लेते हैं ये, और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और अमेज़ा रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें थोड़ी तेज़ कर लें और या सब्ज़ मिर्चें और डाल लें, और कम खाते हैं तो सब्ज़ मिर्चों को स्किप कर दें या रेड चिलीज़ जो हैं वो कम डाल लें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पकौड़े डाल देते हैं। हाथों को बहुत एहतियात से बचा के तो डालिएगा क्योंकि हाथों के ऊपर ऑयल ना गिर जाए। थोड़ी देर के ऊपर तक इसको नहीं हिलाएंगे, एक दो मिनट तक, फिर उसके बाद इसको उलट पुलट के जब तक गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये जब खुद से उठ के ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो अब इसको दोनों साइडों से अच्छा सा इक्वल सा गोल्डन कलर देंगे और फिर जैसे ही ये रेडी होंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बड़े अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं और फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम है नीचे। तो देखिए पकौड़े माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आया इनका माशाल्लाह से, ये देखें। और अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड बैच डाल दिया था वो भी फ्राई हो गए हैं, उसको भी हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम डिश आउट करते हैं। जो पकोड़े रेडी हो गए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कढ़ी के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये दो पकोड़े हम लोगों ने बचा लिए हैं। ये जब
फाइनल टच देंगे तो उसके अंदर ये बाद में रखेंगे। तो इसको सारों को मिक्स कर देते हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से कड़ी मिक्स हो जाए और फिर इसको हम डिश आउट कर देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गई है हमारी कड़ी माशाल्लाह। चलिए जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखिए ना तो ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। और अब रेडी करना है इसके लिए हमें तड़का। तो जिसमें फ्राई किया था ऑयल वही ऑयल हमने यहाँ पे लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत सुरख मिर्चें। तो ये देखिए यहाँ पे साबुत सुरख मिर्चें डाल दी हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें ये फ्राई हो गए हैं। अब हमने 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च डालनी है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको जल्दी से हिलाना है और इसके अंदर डाल देना है कि मिर्च हमारी जले नहीं। और ये देखिए तड़का हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। देखिए हाफ इसके अंदर डालेंगे और हाफ अभी जो उसमें पड़ी हुई है कड़ी उसको तड़का लगाएंगे। अब इसके अंदर गरम मसाला छिड़क देंगे इसके ऊपर। तो कड़ी हमारी रेडी हो गई है जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें तमाम खुशियां अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई गम कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमामीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।